हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, परिवर्तन बोधि चैनल पर। और आज इस श्रृंखला में जो मैं शुरू कर रहा था, मैथमेटिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, इनकी जो पूरी एक चेन चल रही थी, उसी में आज मल्टीप्लिकेशन को मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इन सब में उस मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट तरीके से सीख जाओगे तो फिर क्यूब रूट और क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में भी बहुत आसानी मिलेगी। तो उससे पहले जो लोग भी फर्स्ट टाइम अभी आप देख रहे हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो। और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी हम मैथ सीखेंगे, और साथ में जो बेसिक है, जो बिगनर्स हैं, जिनको मैथ में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, खास करके कैलकुलेशन पार्ट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, तो उनके लिए ये सारी क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो पुरानी क्लासेस मेरी अभी वीडियोस जो मैंने पोस्ट की थी, जो है अपलोड की हैं, खास करके स्क्वायर की या फिर स्क्वायर रूट की, क्विक मल्टीप्लाई, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार पुरानी वीडियोस, जिससे कि पूरी कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहले अभी इधर मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो खास करके उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो मैथ में अभी बहुत कमज़ोर हैं या जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं है या मैथ उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगी, जैसे एलसीएम, एचसीएफ है, पावर एंड सर्ट्स हैं, या जो भी इनके जो बेसिक टूल हैं, शुरुआत का जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है, वो जब आप सीख लोगे तो आपको वो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, और उस वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो वीडियो को शेयर कर रहा है वो और अच्छा काम कर रहा है, और कमेंट ज़रूर करिए, जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि कैसा वीडियो आपको लगा, आपने कुछ सीखा उससे कि नहीं सीखा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए, मल्टीप्लाई सबको पता है कि शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैंने लिख रखा है, मल्टीप्लिकेशन का गुणे का शॉर्ट ट्रिक है, तो बहुत बेसिक सा क्लास है। दो तीन एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि कितनी अच्छी तरीके से आप उस मल्टीप्लिकेशन को अंजाम दे सकते हो। है पुराना ही, बस उसको एक दूसरे तरीके से करना है, ताकि उसमें गलतियां कम हो। क्योंकि देखिए, कैलकुलेशन में, मैथ की कैलकुलेशन में सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है वो है कि आप गलतियां नहीं कर रहे हो, अगर जोड़ने घटाने में या गुणा या भाग करने में, तो अगर गलतियां नहीं हो रही तो फिर समझो कि आपके लिए वो बहुत अच्छा है मैथ के पर्पस से। तो यहाँ देखते हैं, अब हम कोई भी, जैसे कोई नंबर लेते हैं, थ्री डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे 372 लेते हैं, और इसको किसी टू डिजिट वाले नंबर से गुणा करना है, मान लो 57 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब देखिए कैसे करना है, एक मैं एग्जांपल दूंगा, अभी दो तीन एग्जांपल दूंगा, और इसी को बेस बना करके आगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हो और बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 7 से जब मल्टीप्लाई करना है तो सारे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और वहाँ कैरी को अलग नहीं करेंगे। जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 = 14 हो गया, पूरा लिख लिया हमने 14। फिर 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 49 आया, ये भी पूरा लिख लिया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया, पूरा लिख लिया। तो पहला स्टेप ये है कि आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तीन डिजिट हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल डिजिट है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है तीनों को, और एक खाना इधर छोड़ के बाकी फिर तीन खाने में लिखना है। तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, देन 5 × 7 = 35, और देन 5 × 3 = 15। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में उसी के नीचे एक बॉक्स छोड़ के 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15। अब देखिए, अब हमको इनको ऐड करना है। तो देखिए, अभी तक हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जो हमने पुराने मेथड सीखे हैं उसमें क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लिखते हैं, 1 को कैरी लेते हैं, फिर 7 × 7 = 49 किया कैरी, जोड़ा 50, फिर 0 लिखा, फिर 5 को कैरी लिया। तो एक बार मल्टीप्लाई होती है, एक बार सम होता है, एक बार मल्टीप्लाई होती है, एक बार सम होता है। तो यहाँ पर एक तो धीमे प्रक्रिया हो जाएगी,
प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा थोड़ा। और दूसरी चीज़ जो है, आपकी गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, कि मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप कभी कैरी भूल गए जोड़ना तो पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा। और एक बार गुणा गलत हुआ नहीं कि मैथ में क्वेश्चन में फिर पूरा आंसर गलत आना ही आना है। तो यहाँ आप देखिए ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि यही एडिशन जो है आगे स्क्वायर में या क्यूब निकालने में भी करनी है, अगर सार्टिक सीखना है तो। तो ये एडिशन जरा सा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ क्या करना है, हमने हर खाने से, हर बॉक्स से केवल यूनिट प्लेस का डिजिट लेना है और बाकी को बगल में जोड़ देना है, यानी बगल वाले बॉक्स के यूनिट प्लेस में जोड़ देना है। जैसे देखो, इस खाने से हमको केवल 4 लेना है और इस 1 को जो है इधर ऐड कर देना है। तो 9 और 1 10 हुआ, 10 का देखो 0 ही लिखना है, एक ही एक डिजिट हर बार लिखना है, और एक बचा, एक को यहाँ लिख देना है। तो ये हमारा कैरी कहीं और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहीं हमने कैरी को लिख दिया। तो देखिए, 4 उतारा, 1 को इधर जोड़ा, 9 और 1 10 हुआ, 10 का 0 हुआ, और फिर क्या किया, जो 10 में का एक कैरी, 10 पूरा नहीं लिखना है, 10 का जो कैरी आएगा एक, उसको इधर लिख देना है। अब देखो, इस पूरे को, ये जो 4 और 2 6 है, इसको इस वाली लाइन में जोड़ना है। तो 4 और 2 6 है, 6 और 1 7, 7 5 12 के 2 हासिल आया, 1, फिर कैरी 1 आ गया। यानी कि इस वाली लाइन को हमको बगल वाली लाइन में जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा ये 12 आया, 12 का केवल 2 लिखना है, 1 हमारा फिर कैरी हो जाएगा। अब फिर इस लाइन को 3 2 5 1 6 को इधर पूरा पूरा जोड़ देना है और पूरा पूरा लिख देना है, क्योंकि इधर ये लास्ट बॉक्स है तो इसमें का कुछ कैरी बचाना नहीं है। तो 15 और 6 इधर जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की प्रक्रिया में ये अभी लॉन्ग लगा होगा आपको प्रोसेस जो है, लेकिन जब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, अभी एक दो एग्जांपल भी मैं और करता हूँ, तो वो एग्जांपल जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे बहुत कम समय में आप निकाल लोगे, और मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगना है। क्योंकि देखो, इस प्रोसेस में हमेशा जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 डिजिट का 1 डिजिट से होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, और जब एडिशन होगा तो सिर्फ एडिशन होगा। तो ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, और इसको किसी पर भी, 3 डिजिट वाला नंबर है उसको 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या 4 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या 5 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है क्विकली। देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 डिजिट और 3 डिजिट का जो है मल्टीप्लाई लेते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या देखो समझना ही है, एक बार प्रोसेस आप समझ गए, दिमाग में प्रोसेस बैठ गया और उसका कुछ हमने एक्सरसाइज कर लिया या कुछ रिवीजन कर लिया, कई सारे एग्जाम्पल ले करके उसको कर लिया, वो फिर प्रोसेस आपका ज़िंदगी भर का बन गया। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस बदलने में, क्योंकि आप बचपन से जो प्रक्रिया सीखे हो, जो करते आए हो, उसमें अगर चेंज लाना है तो बिहेवियर में चेंज लाने के लिए उसको बार बार करना पड़ेगा, यानी कि रिवीजन बहुत मस्ट है। जो अभी मैं समझा रहा हूँ उसको आप अपने एग्जांपल खुद लो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ से कोई दूँ कि ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ, मैं इधर से आंसर बताऊँगी, हाँ ये राइट है या रॉन्ग है। वो आप खुद अपना चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से चेक कर लो तुरंत, अगर कहीं गलती लग रहा है, यानी कि कहीं प्रोसेस अभी थोड़ा सा डिले हो रही है, अभी कहीं सही से जोड़ घटाव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने पहली बार में ही समझ लिया है तो वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दो, और जो पहली बार देख रहे हैं अगर उनको अच्छा लगा हो ये ट्रिक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और लाइक कमेंट वही जैसा कि होता है। तो देखो, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि बस कोई नई ट्रिक सीख ली, और बस एक बार उनमें सीख लिया, उनको लगा अरे अब तो हम जान गए बस हो गया, और अब तो हमको आ ही गया। ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है उसमें पारंगत होना है या लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रहे, तो उसके लिए उस पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और वो जब आप कम से कम 50-100 निकाल लोगे ऐसे ही, लगभग 10-15 दिन रोज़ डेली 10-20 मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर वो लॉन्ग टाइम, फिर लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, और आप उसको लगा भी सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने 3 डिजिट नंबर कोई लिया, 7 4 8 लिया, कोई भी रैंडम नंबर,
256 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका कोई मैंने पहले से रट नहीं रखा है, तुरंत का नंबर ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, गलती भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मिस्टेक प्रूफ हूँ, जो है मिस्टेक नहीं करूँगा, बट देखते हैं, यही तो करना है कि गलतियों को नहीं करना है हमको, ठीक है। तो कोई रैंडम नंबर हमने दो ले लिया, 748 ले लिया, 256 ले लिया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं स्पीड से बताऊँगा ताकि आपको भी लगे कि यहाँ कैसे स्पीड बढ़ सकती है या कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 से गुणा करेंगे, 6 × 8 = 48, 6 × 4 = 24 और 6 × 7 = 42। हमने दोनों 6 से गुणा कर लिया, 6 × 8 = 64 + 6 × 7 = 64 लिख लिया। फिर 5 से ही ऐसे करेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 20, 5 × 7 = 35 लिख लिया। 5 × 8 = 5 × 4 = 5 × 7 = 5। तो अब देखिए यहाँ एक नंबर और है, 2, 2 से भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 खाने छोड़ देंगे, यानी तीसरी डिजिट पे था तो एक ये इनको छोड़ दिया। अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16, इसको यहाँ लिखेंगे, 2 × 8, इसको इकाई पे ही लिखना है, यूनिट प्लेस पे ही लिखना है, और 2 × 7 = 14 यहाँ लिखना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और देखे होंगे, जब 2 से 4 को गुणा किया तो 8 आया, तो उस 8 को जो है 5 के नीचे लिखना है, यूनिट प्लेस पर लिखना है। अब जोड़ना वैसे ही है जैसे हमने ये 8 ले लिया, इस 4 को इधर जोड़ा, 4 × 4 = 8, कोई कैरी नहीं है, ऐसे उतार दिया। अब ये 4 × 2 = 6 फिर नहीं उतारना, ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 और 2 है ये इधर ही जुड़ेगा, तो 4 × 2 = 6 = 8, 8 × 6 = 14, 14 × 4 हासिल आया 1। अब कैसे भी आप जोड़ लो, इस पूरे को जोड़ना है, 6 × 4 = 10, 4 × 4 = 14 जोड़ सकते हो, या फिर 4 × 2 = 6 = 8, 6 × 14 जोड़ सकते हो, जैसे भी है, 6 × 2 = 8, 4 × 12 = 14 जोड़ सकते हो, जैसे भी आपका मन कहे। 14 × 4 लिखा, हासिल आया 1 जो है, ये कैरी हो गया। अब इस पूरे को इधर जोड़ना है इकाई के, तो 4 × 2 = 6 × 2 = 8 आया। अब ये पूरा 8 है देखिए लिखा हुआ है, 4 × 4 = 8, और 8 × 8 = 16, और 16 × 5 = 21 का 1, हासिल आया 2। अब ये 3 × 2 = 5 हो गया, 5 को इधर जोड़ दिया, 14 × 5 = 19, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में करेंगे, अभी तो मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आपने समझ लिया और आप कंटिन्यू करोगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जिसको एडिशन में अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए और उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले 8 लिया, देखो मैं बता भी दे रहा हूँ, ये 8 लिया मैंने, फिर इस 4 × 4 को जोड़ के 8 लिया, इसको ऐसे जोड़ते हुए, फिर ये जो है ये 4 × 2 = 6 इधर जुड़ गया, और फिर ये 4 × 2 = 6 × 2 = 8, 6 × 14 का 4 इधर लिखा, हासिल आया 1, वो 1 यहाँ पर देखिए लिख लिया मैंने, फिर 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 8 = 16, और 16 × 5 = 21 का 1, हासिल आया 2, फिर 3 × 2 = 5, 14 × 5 = 19 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको जो है मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक कोई और एक डिजिट ले लेते हैं ताकि बहुत आराम से आप कर सको। इधर मैं लिख देता हूँ, इसको नहीं रब करता हूँ। जैसे 4 digit और 2 digit का लेते हैं, जैसे 5, 6, 3, 4 लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है मान लो 47 से। अब देखो यहाँ से 28 आया, 21 आया, 7 × 6 = 42 आया, और 7 × 5 = 35 आया। फिर 4 से जब मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 = 16 आया, 4 × 3 = 12 आया, 6 × 4 = 24 आया, और 5 × 20 आया, ये 20 आ गया। अब देखो ये 8 ले लिया, 2 × 6 = 2 = 8, 1 = 9 हो गया, 2 × 1 = 3, 2 × 5 = 2 = 7 हो गया, 4 × 1 = 5, 5 × 5 = 10, 4 × 4 = 14 हो गया, हासिल आया 1, 3 × 2 = 5, 1 = 6, और 20 × 6 = 26 हो गया। देखिए मुश्किल से 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगा है और आंसर आ गया। तो ये होती है ट्रिक का काम कि हमको जो भी हम प्रक्रिया अपनाएं कम समय में, लेकिन एक्यूरेसी 100% हो। देखिए दो चीज़ें मैथ में बहुत मायने करती हैं, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। स्पीड मतलब जल्दी से जल्दी आंसर निकले, एक्यूरेसी मतलब सही निकले। दोनों में से कोई भी मिसिंग होगा बेकार है मैथ, फिर समझ लीजिए कि वो आंसर नहीं आएंगे। आपकी बहुत तेज स्पीड है बट आप गलती कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सही सही निकाल रहे हो बट आपकी स्पीड बहुत धीमे है, पूरा दिन लग गया एक क्वेश्चन लगाने में, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों चीज़ें साथ में चलानी पड़ेंगी। तो यहाँ देखो स्पीड बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको दोनों चीज़ें, अगर आप चाहते हो कि आपका इम्प्रूव हो, तो डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो चाहे शॉर्ट ट्रिक सीखा हो और चाहे कोई लॉन्ग मेथड हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो,
और हमेशा देखो, एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी प्रैक्टिस करो तो बहुत टफ क्वेश्चन मत लो। जो सरल क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन हो, उनमें ही प्रैक्टिस आप करो, ताकि और उन्हीं को बार बार लगाओ। जैसे आप शुरू में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लोगे तो एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम का लॉस होगा, और आप बार बार जो है क्वेश्चन की वैरायटी बदलते रहोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट उस तरह से नहीं होगा। आप पहले एक टाइप का क्वेश्चन लो, सरल क्वेश्चन हो, उनको खूब बार बार लगाओ और उनमें अपनी स्पीड को बढ़ाओ, उसमें जो टाइम लग रहा है उसको कम करो। जब उनमें पारंगत हो गए आप, उनमें एकदम परफेक्शन आ गया, तब फिर क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाओ, तो स्ट्रांग क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको लो, ठीक है। तो बेसिक लेवल जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है, उनको शुरू में केवल सरल क्वेश्चन ही लगाने चाहिए, टफ क्वेश्चन की तरफ देखो ही मत। एक बार सरल क्वेश्चन सारे लगा गए, फिर अपना जब उनमें परफेक्ट आंसर आने लगा, सही आंसर आने लगा, फिर अपना क्वेश्चन बदल दिया, फिर अपना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे चले गए। और कोई भी आप बुक लोगे, उसमें शुरू के क्वेश्चन सरल होते हैं, बाद के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं। या एग्जांपल्स आप लगाओ, जो भी बुक हैं मैथ की जो भी आती हैं, उनसे अगर आप एक्सरसाइज लगा रहे हो तो उसमें जो एग्जांपल्स शुरू में दिए रहते हैं उनको आप ज़रूर लगाओ, ताकि कहीं गलती हो रही हो तो बार बार एग्जांपल्स को देख के अपनी गलती को सुधार सको। आइए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर, और वो भी हम थ्री डिजिट का, थ्री डिजिट से ही लेंगे, और एक बार और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 987, टफेस्ट नंबर ले लिया, एक थोड़ा सा टफ नंबर ले लेते हैं, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 456 से। मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो 642 हो गया, 8 × 48 हो गया, 9 × 54 हो गया, फिर 7 × 5 = 35 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 5 × 9 = 45 हो गया, फिर 4 × 7 = 28 हो गया, 8 × 4 = 32 हो गया, और 9 × 4 = 36 हो गया। अपने गुणे का पार्ट खत्म कर लिया मल्टीप्लाई का, आप जोड़ना है। 2 ले लिया, 8 × 4 = 12, 5 × 17 के साथ हासिल आए 1, 4 × 3 = 7, 1 × 8 = 8, 16 × 4 = 20 के 0 हासिल आया 2, 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13। अब देखो यहाँ देख, जब दौड़ा तो 13 आ गया, जैसे 4 × 2 = 6, 2 × 8 = 5 = 13, तो यहीं 13 लिख दीजिए इसे, मतलब इस पूरे को जो जोड़ा है, ये जो 13 आया है इसको इधर लिख दिया हमने। अब 5 × 2 = 7, 3 × 10 का 0 हासिल आया 1, 4 × 3 = 7, 2 = 9 और 36 × 9 = 45 आंसर आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो जब कभी भी आप सिंगल वाली जोड़ रहे हो और डबल डिजिट आ जाए तो उसको सीधे इधर उतार दो, लिख दो। तो जैसे हमने यहाँ जोड़ा था 5 × 4 = 9 और 9 × 4 = 13, तो 13 को इधर लिख दिया पूरा। अब इधर जो यूनिट प्लेस वाला, यही जोड़ना है, ठीक है। 5 × 3 = 8, 2 = 10 के 0 फिर हासिल आया 1 आया, 4 × 3 = 7, 2 = 9, 36 और 9 जोड़ दिया सीधे सीधे, 45 हो गया। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट की मैं डाल चुका हूँ, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, और क्यूब और क्यूब रूट को भी बताना है। तो आपका ये जो स्टार्टिंग फेज है मैथ का, कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, इन सब में आप जैसे जैसे पारंगत होते जाओगे, जैसे जैसे इनमें एक्सपर्ट होते जाओगे, वैसे वैसे आप फिर मैथ के बाकी चैप्टर्स में भी इम्प्रूव करते जाओगे, क्योंकि वहाँ फिर मिस्टेक्स कम होंगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और जरूर जिनको भी अच्छा लगा हो वीडियो, ज़रूर लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।